हेलो हेलो हेलो, वेलकम यू ऑल इन इंजीनियरिंग फिजिक्स प्लेलिस्ट। आज हमारा टारगेट है माइकलसन इंटरफेरोमीटर के ऊपर, जो अपने लास्ट वीडियो में डेरिवेशन देखे थे, फॉर्मूलाज देखे थे, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने का। तो जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल्स अपन सब कराएंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, वीडियो को पॉज करो एक बार, एंड करो। ओके आ जाओ। देखो माइकलसन इंटरफेरोमीटर में 200 फ्रिंजेस है, ठीक है, जिसके अंदर अपन को मूवेबल की डिस्प्ले दिखाया है 0.0589 mm, ठीक है। कैलकुलेट करना है वेवलेंथ, अरे कुछ ही नहीं है, ये वाला फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल, जिसमें अपन ने x की वैल्यू इन्होंने गिवन कर दी एक तरह से, या d बोल दो आप, d है ना, फॉर्मूले में d ले लेते हैं। d की वैल्यू गिवन कर रखी है 0.05896 mm। इसको मीटर में ले लेते हैं, मीटर में लेना बड़ा सिंपल है सर, कुछ ही नहीं करना, 10^-3 होती है इसमें, तो 0.0589 × 10^-3 m। ओके नाउ n की वैल्यू अपने पास गिवन है ही, व्हिच इज 200 फ्रिंजेस है सर। लैम्डा पूछा है, क्या करना है आपके पास, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर होना चाहिए स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोलता हूँ, एग्जाम्स में काम आएगा वो। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, नो डाउट, बहुत ईजी है। तो फाइनल इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको, टाइम को बचाते हुए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बाकी आप खुद से सॉल्व करो इसको, टाइम की किल्लत है यार, ये लो, ठीक है। 10^-10 इसलिए बोला गया क्योंकि इसको ये देखो 1 ampere = 10^-10 मीटर होता है, दैट्स वाई ये चीज इसमें चेंज हो गई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक तो हमें गिवन है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस वर फाउंड टू बी द 0.69 mm to 0.93 mm एंड मीन वेवलेंथ ऑफ डबल यूज is 5893 ampere, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ द कंपोनेंट, यानी कि वेवलेंथ का डिफरेंस पूछा है, तो ये वाला फॉर्मूला है λ1 − λ2, ठीक है, एवरेज का होल स्क्वायर अपॉन 2d, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। एक तो हमारा एवरेज वाला गिवन है, मीन, जिन्होंने कहा ना मीन, मीन का मतलब एवरेज वाला, तो मीन निकाला गया इसका, तो मीन का वैल्यू आ रहा है फाइनली इसका 5893 ampere, जो अपने को क्वेश्चन में गिवन है। एक अपन को दो वैल्यू गिवन है mm की, तो उन्होंने कहा इसके अंदर टू बी फाइंड 0.69 to 0.93, तो सिंपल है, इसके बीच में डिफरेंस निकलेगा विच इज 0.9334 माइनस में 0.6989। इसको सोल्व करते हैं अपन, कितना आ रहा है 0.2343 meter। इसको भी एम्पियर में ले लेते क्योंकि ये भी एम्पियर में है, चलो रहने दो, ये mm में है, सॉरी mm में, इसको मीटर में लेते हैं 0.2343 × 10^-3 meter। अब क्या है इसमें, बस पुट करना है λ1 λ2 = 5893 = 10^-10, ठीक है, मीटर में ले लिए दोनों को 0.2343 × 10^-3। इसको सोल्व करो, इसको इससे काट दो, देन फाइनल वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको 7.4108 × 10^-10 meter। अब इसको एम्पियर में बदलना है, तो एम्पियर हो जाएगा 7.4108 ampere, तो ये भी हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर देखो दो तो वेवलेंथ गिवन है, देन बाय व्हाट डिस्टेंस डज द मिरर हैव टू बी मूव्ड बिटवीन द टू पोजीशन ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ द फ्रिंजेस। अगेन डी पूछा है, डी को पहले ऐसे करते हैं, इधर ही रखते हैं, एवरेज का होल स्क्वायर अपॉन में 2, λ2 − λ1 कर दो, λ1 − λ2 कर दो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप इसको बड़ा रख रहे हो तो इसको 2 कर देना, अदरवाइज 1 2 भी लिख सकते हो, नो डाउट, ठीक है। तो λ1 की वैल्यू अपनी 4882 ampere, λ2 की वैल्यू रखी है मैंने 4886 ampere, ठीक है। आप इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, देन फॉर्मूला वैसे ही रहेगा, कैसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है। देन एवरेज की वैल्यू चाहिए, एवरेज एक्चुअली क्या होता है बताओ, मीन ही तो होता है, तो λ1 + λ2 / 2 होता है, ठीक है, तो इनको ऐड कर देंगे 4886 / 2। सॉल्व करो क्या आंसर आ रहा है इसका, इसका आ रहा है 4884, ठीक है, एवरेज का, राइट। इस फॉर्मूला में पुट करते हैं d = 4884 2, ठीक है, इसको इसे सेपरेट करके देखो कितना आता है, 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो आ गया 4, ठीक है, d = देन आपका इनको, क्योंकि अपन एम्पियर में तो रख नहीं सकते क्योंकि डी डिस्टेंस की वैल्यू, तो मीटर में या मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में करते हैं, तो इसको अपन करते हैं ओके होल स्क्वायर अपॉन में 8। अब ये भी क्योंकि एम्पियर ही है, तो 10^-10 आ गया,
फाइनली इसको सोल्व करते तो वैल्यू आती है 0.298 मिलीमीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक बार पढ़ो इसको, तब तक मैं इसको रफ करता हूं। ओके इस क्वेश्चन के अंदर देखो 100 फ्रिंजेस गिवन है, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं मुझे एन गिवन है ये वाला। उसके बाद मेरे को बोला गया है इट वॉज फाउंड 10.7 mm इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट वॉज दिस व्हाट वॉज द इनिशियल रीडिंग ऑफ द स्क्रू। ओके नो डाउट करते हैं इसको, करेंगे इसको, ठीक है। ओके ठीक है वेवलेंथ गिवन है, वेरी गुड 5.92 × 10⁻¹⁷ mm, ठीक है। एक क्या गिवन है अपन को इसके अंदर ही, हाँ एन की वैल्यू गिवन है 100। एक अपन को गिवन है शिफ्ट किया गया क्योंकि स्क्रू को, स्क्रू वाज फाउंड टू बी दिस इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे, तो इसको अपन ये मान लेते हैं, ठीक है। एंड व्हाट वाज द इनिशियल रीडिंग ऑफ स्क्रू, स्क्रू की पहली रीडिंग क्या थी, पहली नहीं पता दूसरी पता सर हमें, पहली नहीं पता, फॉर्मूला लेके आओ। 2x बोल रहा हूं इस बार, डी को कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला ये वाला क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू है 9 × 10⁻¹⁷ इक्वल टू 2x/100, ठीक है। इधर चल जाएगा ये डिवाइड में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ 5.92 × 10⁻¹⁷ टू नीचे तो ऊपर चल गए तो 10⁻⁹ डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x। x क्या होगा, x होगा सर x2 − x1, x2 गिवन है सर, यस 735 माइनस में x1। अब x1 निकालना है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इन सबको सॉल्व कर दो और कुछ ही नहीं करना आपको, सिंपल, वेरी सिंपल, नो इशू, ठीक है। एक चीज है बट ये आपका मीटर में है, ठीक है, तो इसको भी अपन मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 0.9 × 10⁴ मिलीमीटर, क्योंकि ये भी मिलीमीटर में है, तो दोनों को या तो मिलीमीटर में रखो या दोनों को मीटर में रखते हैं, तो ये हो गया 10⁴, ठीक है, एंड ये हो गया 10⁻¹, इधर दो गया तो 10⁻⁶। अब आप इसको सॉल्व कर लो इजीली, तो x1 की वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको 10.754 mm, सो दिस इज द वैल्यू। तो इस टाइप से माइकलसन इंटरफेरोमीटर के क्वेश्चंस बनते हैं, दो ही फॉर्मूला है, इनके ऊपर ही क्वेश्चंस घूम घूम के आएंगे और कुछ भी नहीं आएगा, बड़ा सिंपल है, आई बिलीव आप कर सकते हो। तो ये था हमारी वीडियो में माइकलसन इंटरफेरोमीटर, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ में, थैंक यू सो मच, लाइक करते रहिए, चैनल को शेयर करते रहिए एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो क्योंकि उनके भी डाउट्स बनते हैं यार इसके ऊपर, ठीक है। तो अपने ग्रुप्स में सेंड करो, लोगों को बताओ यस देयर इज अ चैनल जो आपके लिए काम कर रहा है दिन रात, नहीं ओनली रात को, ओके। तो क्योंकि मेरे को भी मेरी जॉब करनी पड़ती है, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आपको पता है, तो मेरे को मेरी जॉब भी करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा टाइम निकालता हूँ मैं वीकेंड्स पे फॉर यू गाइस, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा। सो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।